आज ना पूरा हमारे सिटी भी पूरा मॉरिशस का फीलिंग आ रहा है। देखो एक बार आसमान विसमान देखो, अच्छा सनसेट। ये मुस्टाज बियर्ड निकलनी चाहिए क्या? ये कौन सा सिटी है रे? ये धारासुर है क्या? अंधेरा कायम रहे मेरे आका, सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देखो गाइस, ब्लॉग शूट करते करते बहुत लेट हो चुका है। आज आज डायरेक्ट इवनिंग में शूट कर रहे हैं, क्योंकि बस दिन भर तो आज सोने में चले गए पूरा दिन। आज सेकंड लास्ट डे घर पे, तो घर वाले फैमिली के साथ थोड़ा चिल किया है। तो अभी देखो हम टेरेस पे आए थे, आसमान पूरा क्लियर हो चुका है। आज और एक नई जगह पर जाने वाले, हम लेक पर जाने वाले। लेक पर जाके आपको दिखाएंगे वहाँ का फुटेज। तो चलो स्टार्ट करते, अभी रेडी होके चलेंगे। देखो सनसेट हो रहा है, सनसेट का व्यू देख लो एक बार आप गाइस, जो अपने टेरेस से मिलता है। आज ना पूरा हमारे सिटी में पूरा मॉरिशस का फीलिंग आ रहा है। देखो एक बार आसमान विसमान देखो, अच्छा सनसेट हो रहा है। देख लो एक बार, तो इसकी वजह से अब बाहर जाने का सोचा है हमने, चलते इस आसमान का सैर करने। आसमान का सैर भी एक दिन करेंगे, तब तक अपने सिटी का करते। एक बार सन देखो कैसे छुप रहा है इधर टावर के पीछे। आज टाइम लैप्स लगाने का सोचा था लेकिन भूल गया मैं, और अभी लगाते बैठूंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। तो बाहर जाते डायरेक्टली, अपन टाइम लैप्स का कल सोचेंगे। तब तक चलो निकलते फिर बाहर। चलो गाइस रेडी हो चुके हैं हम, निकलते अपन बाहर। आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम, क्योंकि रिटर्न भी आना है जल्दी, तो आ जाएंगे जल्दी। चलो ये देखो गाइस, हम थोड़ा ऊपर आके हमारी जगह पे जहाँ से हमारा सीट अच्छे से दिखता है वहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे देखो सनसेट अच्छे से हो रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा में, क्योंकि हम जो लोकेशन पे जा रहे हैं उधर जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, इसके वजह से यहाँ रुक के सनसेट दिखाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो मैं बैक कैमरे साथ शिफ्ट करता हूँ। ये देखो गाइस अपनी जगह जहाँ अपन क्रिकेट खेलते, ये टाइम पे यहाँ पे ना लोग रहते जो खेलने आते, कुछ खेलने आते कुछ बैठने आते। ये देखो सनसेट हो रहा है अच्छे से, अपन ने लगा दी अपनी गड्डी यहाँ पे। अभी अपने को जाना इधर, तो अपन निकलते हैं अभी। A few moments later. सकाळी बघितलं झोपलेला तो बघ जागा, सकाळी 11 किंवा 12 ते 2 एक मध्ये त्यानंतर डबल झोप जातो तुम्ही सर्व इथे चांगला शूट। पाणी वाढलं रे काय वाटतं? खरं वाढलं बघ ना, आधी किती होतं? मी नाही होतो आलेला आधी, आपणच आलतो ना रे। हा रोड पण गेला, रोड गेलाय ना बघ ना, लय वाढलंय पाणी। त्या दिवशी बैलगाडीला पाणी पाजवलं तिथपर्यंत बैलगाडी नेली त्यानं। शाला है, गोल गोल दगड है तो पर्यत शान है भी इतली पूरा समर कलर गेला भी सगळा याचा। अंधेरा कायम रहे मेरे आका,
सब अंधेरा ही अंधेरा है। लो लाइट मधी पण ले हे होते भी असं ब्लर ब्लर। ये देखो बंदा स्नैपिंग स्नैप चल रहा है सुट पुट गड्डी फॉर द डे गड्डी फॉर गड्डी। ये कौन सा सिटी है रे? ये धारासुर है का? अरे ये पलीकड़ गाँव कौन सा है? ये गाँव कौन ले थे? भेंडेवाड़ी है। भेंडेवाड़ी। A few moments later. चलो एक बार फिर मंदिर में दर्शन करने दियो। अब बैठते हैं हमें तब थोड़ी देर। देखो इस टाइम पे कोई नहीं रहेगा इधर, कोई नहीं लिटरली। ये देखो कैसे फोटो निकाल रहा है बंदा। अरे अपना वेल एज यूजुअल। मंदिर मंदिर नहीं गए सर, बताए थोड़ा निकलते हैं हम। सब चीजें सीखनी है हमें अभी। चलो निकलते एक बार, दर्शन हो गया हमारा। एक दो घंटे बैठे थे हम वहां पे, अभी गाड़ी निकालेंगे सीधा घर तरफ जाना है। तो देखो गाइस हम अभी दर्शन करके आ चुके हैं रिटर्न, और मैं डायरेक्टली मेरे घर में जाते हुए मेरे दीदी के यहाँ आया हूँ। अभी दीदी तो फिलहाल नीचे है किचन में, तब तक हम ऊपर आके बैठे हैं। देख लो एक बार आप उनका रूम। हम स्पेशली आए थे अपने बच्चे को मिलने, अभी मिलेंगे उसको थोड़ी देर में, तब तक हम बैठेंगे चिल करते। ये देखो यहाँ पे चल रहा है कौन सा फिल्म है, विघ्नहर्ता गणेशा देख रहे हैं अभी तो हम। ये देखते इसके अंदर शायद से होना चाहिए। किधर है? हम वेदांश को मिलने आए थे, वेदांश दिख ही नहीं रहा है, क्या मालूम। इसकी छोटी गड्डी ये देखो, ये खेलता है। ये देखो गाइस क्या लगता है अपने को, कैसा हो गया अपना लुक? ये मुस्टाज बियर्ड निकालनी चाहिए क्या? इसकी वजह से लुक है, ये निकाल दिया ना पूरा अलग दिखेगा यार, आदत नहीं है। देखते सोचते इसके बारे में। ये देख लो थर्ड फ्लोर से ऐसा कुछ व्यू आता है नाइट टाइम में, हमारा गंगा खेड़ दिखता है इधर से, हमारा सिटी। ये रास्ते पे ना इनका एक ऑटो खड़ा रहता है इधर नीचे, जो कि फिलहाल दिख नहीं रहा है। हम अभी इधर से आए, हम गए थे बहुत दूर, वहां से आए बैठते अभी थोड़ी। One eternity later. तो देखो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर। अभी आपने को एक गाड़ी निकाल के अंदर लगाना है, अंदर प्लेस करते गाड़ी फिर लगाएं। तो चलो गाड़ी लगाते हैं अंदर। तो गाड़ी लगा दी अपन ने अंदर, अभी गेट बंद करते। बस मैच देखना है यार अभी।
चलो शूज निकालते निकलते घर में। तो हेलो गाइस, तो अभी देखो बज रहे कितने, रात के 12 और हम बैठे हैं मूवी देखते हैं। ये कौन सा मूवी है देखो, ये लगा है गोस्ट राइडर्स जो हमने देखा है अभी एक घंटा 11 बजे स्टार्ट हुआ था, थोड़ी देर हो गई देख रहे हैं हम। उससे पहले हम देखते बैठे थे एज़ यूजुअल जो अपना टेस्ट चल रहा है 5 दिनों का, आज थर्ड डे ख़त्म हुआ है। आज टीम इंडिया ने फुल बैकअप कर लिया अच्छे से, बस कल का एक दिन अच्छे से गुजर जाए तो फिर ड्रॉ करने में तो कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजीली ड्रॉ हो सकता है अगर अच्छा कल डिफेंड कर दिया इंडिया ने और थोड़ा भी इन द सेंस कि 150-200 का भी लीड हो गया ना तो ड्रॉ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कमबैक इंडिया ने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो मैच होने के बाद बस बैठे थे हम, अभी मैच देखते देखते हमने हमारा डिनर हो चुका है, डिनर कर लिया, फिर अभी हम देखते बैठे थे घोस्ट राइडर देख रहे हैं। अभी घोस्ट राइडर एक्चुअली मैं देख चुका हूँ मूवी, फिर एक बार और देख रहे हैं। देखते अभी मूवी देखने के बाद बस थोड़ा देर चिल करेंगे, चिल इन द सेंस कि अपने को ब्लॉग एडिट करना है, एडिट करके अपलोड को लगा देंगे फिर हम सो जाएंगे। तो आज लग रहा है कुछ तो भी 1:30-2 बजने वाले, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आज, तो देखते कर लेंगे एडजस्ट। ये देखो गाइस, ये बस सीन देख लो आप एक बार, अपना फेवरेट सीन है घोस्ट राइडर का, देखो कैसे पूरी आग से जलती हुई जिंजर में उसको पकड़ लेता है। ये भी एक एक्चुअली घोस्टी रहता है, लेकिन जो मेन पावर रहती है ना तो उसके जो फादर रहते उसके पास ही ज़्यादा रहती है। तो देखो आज का तो मोस्ट ऑफ इवनिंग का जो टाइम था वो तो दोस्तों के साथ ही गया था, हम गए थे एक लेक पे गए, थोड़ी देर वहाँ पे चिल किया, लेक पे गए थे, लेकिन लेक पे जाते जाते हमें बहुत टाइम हो चुका था इसलिए मैं उधर का व्यू आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि अपना लो लाइट्स सेंसर अच्छा नहीं है मोबाइल फ़ोन का तो कैप्चर नहीं कर पाए फुटेज। उसके बाद वहाँ पे हम रात में ही थोड़ी देर बैठे थे, 1.5 घंटा उधर बैठे बातें भी देखी। उसके बाद मैं डायरेक्टली आया था अपने बड़े सिस्टर के यहाँ, गया था विलास को मिलने के लिए, लेकिन वो तो सोया हुआ था तो जा नहीं पाए। तो थोड़ी देर उधर बैठने के बाद आज वापस आ गए, अभी बस मूवी देखते चिल करते। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ, तब तक बाय टाटा।